जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर जो अदर स्टेट से फॉर्म भरते हैं, अभी मैंने देखे बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं, सर ये जो बिहार के, राजस्थान के, यूपी के बच्चे हैं, ये गुजरात के या मान लीजिए असम के गलत डॉक्यूमेंट्स बना के एसएससी जीडी की भर्ती देखते हैं, तो आप उनके ऊपर कोई वीडियो बनाइए। वीडियो नहीं, मैं आपके सामने प्रूफ लेके आया हूँ कि उनके साथ क्या होता है। ये 100% प्रूफ है एसएससी जीडी की जिस भर्ती में मैं लगा था 2017 वाली में, ये उसी का प्रूफ है। देखिए मेरे साथ का ही जो एक मान लीजिए मेरा सहपाठी जिसने मेरे साथ ट्रेनिंग की थी, वो 4 साल नौकरी करने के बाद में उसको फोर्स से निकाल दिया गया था, सिर्फ इसी कारण से क्योंकि वो रहने वाला कहां का था, उसने डॉक्यूमेंट्स कहां के लगाए। पूरा का पूरा प्रूफ है ये, देखिए जो प्रूफ है ना, ये कार्यालय कमांडेंट 137 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल उधमपुर जम्मू कश्मीर से ये कार्रवाई। ये इस बच्चे के नाम था, पहले फोर्स नंबर देख लीजिए 17530 2046, ये इसके फोर्स नंबर थे। मैं आपको बता दूं, जैसे आप आगे जो 17 देख रहे हो ना, 17 का मतलब होता है जो 17 का भर्ती है, जो 2017 में भर्ती हुआ उसका फोर्स नंबर 17। जैसे मेरा फोर्स नंबर था 17511 1616, ये मेरा फोर्स नंबर था जब मैं सीआरपीएफ में नौकरी कर रहा था, ठीक है। उसी प्रकार इसका फोर्स नंबर है सिपाही जीडी सुरेश चौधरी, ये मेरे साथ ट्रेनिंग किया हुआ है, मेरे साथ का भर्ती है, जहां पर मैं ट्रेनिंग करता था जम्मू कश्मीर में वहीं पे ट्रेनिंग करता है, और वहीं का ये देखिए जम्मू कश्मीर का ही ये रिपोर्ट है। अब मैं आपको इसमें एक चीज दिखाना चाहता हूं, ये किस डेट का है, 15 नवंबर 2021 को ये नोटिस जारी हुआ था। क्या हुआ था देखना एक बार अच्छे से, ये कि बल संख्या यहां पर लिखा हुआ है सिपाही जीडी सुरेश चंद चौधरी, रोल नंबर उसके थे एसएससी जीडी में 240 10 70 668, 147 बटालियन ने केरीपू बल अधिनियम 1949 की धारा 11 के अंतर्गत बल के सदस्य होने के लिए पात्रता बाबत कदाचार का अपराध किया। कदाचार का मतलब यानी इसकी पात्रता लेने के लिए गलत प्रयोग किया गया। क्या किया गया, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी सीआरपीएफ सिपाही जीडी भर्ती 2015 वाली थी जिसमें मैं लगा था, जिसकी सूचना रोजगार में जो पारित हुई थी वो हुई थी 24/1/2015 को प्रकाशित किया गया था, के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय कार्मिक जो कि राजस्थान राज्य के ओबीसी जाति का मूल निवासी था, ध्यान से सुन लेना, राजस्थान राज्य का ओबीसी जाति का मूल निवासी था, द्वारा गलत राज्य कोड 12 यानी गुजरात भरने के कारण कार्मिक लिखित परीक्षा में कम अंक प्राप्त करने के बावजूद राजस्थान राज्य की बजाय गुजरात राज्य के कांटे पर चयनित होकर सिलेक्शन ले लिया था। यानी वो रह कहां का था तो राजस्थान का, और भर दिया कहां का, गुजरात का, और फिर क्या हुआ उसने सिलेक्शन हो गया। फिर जब उसकी 4 साल की नौकरी हुई केरीपू बल में सिपाही जीडी के पद पर दिनांक 21/3/2017 इसी डेट को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। मैं आपको बताता हूं अक्सर कि 21 मार्च को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, 21 मार्च 2017 को, तब इसकी भर्ती किया गया जबकि कार्मिक इस भर्ती की पात्रता की शर्तों के अनुसार योग्य नहीं था। कार्मिक उस वक्त तथ्यों को छुपाकर केरीपू बल में भर्ती हो गया जो कि केरीपू बल के अधिनियम 1949 की धारा 11 के तहत कदाचार का अपराध किया है और केरीपू बल के नियमों का नुकसान के विरुद्ध है। यानी अब इसको निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया है। तो अगर कोई इस प्रकार की अगर करेगा, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप ऐसा एक वीडियो बना दीजिए प्लीज, ऐसा एक वीडियो बना दीजिए, अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको भरना पड़ेगा, समझ गए बात को। अगर कोई गलत करेगा, अगर कोई मान लीजिए राजस्थान का है, असम से भर्ती देख रहा है या यूपी का है, कहीं से भी भर्ती देख रहा है, उसको फिर भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके सामने है, इसमें कुछ और बताने की जरूरत ही नहीं। ये देखिए पूरा का पूरा इसमें लिखा हुआ है, ये बल्स कब कहां से क्या हुआ था, कैसे कैसे ज्वाइन किया, इसके कहां कहां ड्यूटी लगी, सब कुछ है इसमें पूरा फुल डिटेल में, किस प्रकार से कार्रवाई हुई और उसको क्या क्या किया गया, पूरी डिटेल है, समझ गए। तो जो भी गलत करेगा, गलत कार्रवाई करेगा, वो फंसेगा ना फंसेगा। 4 साल की नौकरी के बाद में निकाल दिया था, समझे, 15 नवंबर 2021 को निकाल दिया था, 21 मार्च 2017 को ज्वाइन हुआ था। तो नौकरी करते हुए को भी निकाल देते हैं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है लाडलो। जय हिंद, जय भारत।